ये है आज की बड़ी अपडेट जहाँ की न्यूज निकल के आ रही है कि मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान, जियो के बाद अब इको फ्रेंडली ऊर्जा बिजनेस करेगी कंपनी। जी हाँ, उसको आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्री के 44 AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक और नया कारोबार के श्री गणेश का ऐलान किया है। आपको बता दें, कंपनी अब इको फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी के कारोबार में हाथ आजमाएगी। दोस्तों, इस कारोबार में 3 साल में 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुकेश अंबानी ने कहा है कि 5 साल पहले जियो की शुरुआत हुई थी और अब वक्त है कि रिलायंस को वैश्विक कंपनी बनाया जाए। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने कहा है कि जामनगर में 5000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीजा कॉम्प्लेक्स में काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हम वैल्यू चेन पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेंगे। इस तरह न्यू एनर्जी बिजनेस में 3 साल में हमारा कुल निवेश 75,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दोस्तों, वाकई में ये रिलायंस का एक बहुत ही बड़ा ऐलान है। दोस्तों, इससे हमारे देश में सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा, जिससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, आपको न्यूज़ के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।